जैन अनुष्ठान चैनल को सब्सक्राइब करें। जैन धर्म की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट गुरु निकुंज। प्रतिदिन नए नए वीडियो के माध्यम से हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। जैन धर्म की जो अनमोल बातें हैं, जैन धर्म के जो आगम है, जैन धर्म के जो शास्त्र है, उसके अंदर हर वार का जबरदस्त एक महत्व है। आज हम जिनका गुरुवार के दिन जन्म हुआ है उनके बारे में चर्चा करेंगे। गुरु मतलब ज्ञान का वार, गुरु मतलब अध्यात्म का वार, और गुरु मतलब धीरे धीरे जीवन में तरक्की करने की विशेष साधना करने वाले इंसान गुरुवार के दिन जन्म लेते हैं। गुरुवार के दिन जिन्होंने जन्म लिया है उनके लिए आदिनाथ भगवान की आराधना, गौतम स्वामी जी भगवान की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। गुरुवार के दिन जिन्होंने आप जन्म लिया है वो केसर वाला दूध है, केसर का दान है, पीली चीजों का दान है, सोने का गहना यदि वो ज्यादा पहनते हैं तो उनको जबरदस्त लाभ होता है। गुरुवार जो है वो मतलब सात वारों में पांचवा वार है। गुरुवार का दूसरा नाम बृहस्पति भी माना गया है। गुरुवार जो है उनके ऊपर जन्मे हुए जो भी मनुष्य है उनके ऊपर गुरु का आधिपत्य रहता है। उनका जो लकी नंबर है वो चार है, उनका जो लकी कलर है वो पीला है, और लकी जो उनको कोई भी अच्छा कार्य करना है तो मंगलवार और गुरुवार के दिन वो करते हैं तो उनको जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। साथ साथ में जो भी गुरुवार के दिन जन्मे हैं, जिन्होंने गुरुवार के दिन जन्म लिया है, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत शांत होता है, मिला जुला होता है, बुद्धिमान, छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी वो ग्रास्पिंग कर लेते हैं। दूसरे को समझने के लिए जो उनकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत वो समझदार होते हैं, दूसरों का दुख समझ सकते हैं, उनको महसूस करते हैं। और गुरुवार के दिन जिन्होंने जन्म लिया है वो हजारों की मेदनी में हो लेकिन वो प्रभावित होते हैं, वो सब में से अलग ही दिखर के आते हैं। दूसरे नंबर में वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, समर्पित होते हैं। ये गुरुवार के दिन जिन्होंने जन्म लिया है वो धार्मिक भावनाओं से जुड़े होते हैं, और वो लोग लंबे हाइट में वो लंबे होते हैं, दिखने में वो व्हाइट कलर के साफ होते हैं, और वो बहुत आकर्षक, लोगों के अंदर उनकी आकर्षकता बहुत ज़्यादा होती है। उनको 7, 12, 13, 16 और 30 ये जो साल है उस साल के अंदर उसकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ विशेष घटना होती है, कुछ ना कुछ उनको बड़ी तकलीफ आने के भी चांसेस है। गुरुवार के दिन जो जन्मे उनका उत्साह जबरदस्त होता है, लोगों को समझने की जो बात रहती है वो बहुत जबरदस्त रहती है। भरोसेदायक जीव है, भरोसेदायक व्यक्ति है, खुश मिजाजी है, और लोगों के साथ जो भी जुड़ना है। गुरुवार के दिन जो स्त्रियां जन्मी हुई है वो बहुत आस्थावान होती है। गुरुवार के दिन जो व्यक्ति जन्म लिया है वो पुराने विचार के, नई जो टेक्निक है, नई जो विचारधारा है, उनके साथ जल्दी वो जुड़ जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति में रहते हैं, लोगों से जुड़ते रहते, किसी को धोखा नहीं देते हैं। साथ साथ में दूसरों को मदद करने की भावना उनके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। गुरुवार के दिन जन्म लेने वाले जातक जन्म से ही धनी होते हैं, अगाध प्रयत्नशील रहते हैं, साथ साथ में दूसरों का ज़्यादा वो सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचेंगे, दूसरों के लिए कोई भी काम है तो जल्दी से वो सपोर्ट सिस्टम में खड़े रहते हैं। ऐसे गुरुवार के दिन जो जो भी व्यक्ति जन्मे हैं और भी उनके लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गौतम स्वामी जी की आराधना, उनको थोड़ी सी खून की कमियाँ हो सकती है, खून संबंधी बीमारी हो सकती है, हृदय की बीमारी हो सकती है, मोटापा का सामना उनको करना पड़ सकता है, पेट की जो बीमारियाँ हैं उनको उनसे थोड़ी तकलीफ हो सकती है। जो भी गुरुवार के दिन जन्म जिनका हुआ है उनका जो कैरियर है, जिनको गुरुवार के दिन जन्म के बाद उनको बिजनेस क्या करना चाहिए, तो के शास्त्र में बताया गया कि वो कोई भी बिजनेस करे थोड़ी सी मेहनत के अंदर भी वो जबरदस्त सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बुद्धिमान होते हैं, हर जगह पे उनको कैरियर क्षेत्र के अंदर वो नेता बने, धर्मगुरु बने, राजनीतिक बने, पत्रकार बने, लेखक बने, प्रकाशक बने, न्यायाधीश बने, ज्ञान के संबंधित कोई भी वो फील्ड में जाते हैं तो उनको जबरदस्त सफलता मिलती है, और वो छोटे मेहनत से भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो पति पत्नी का सुख है, वो थोड़ा सोच समझ करके पत्नी के साथ भी कोई भी व्यवहार करेंगे तो हर चीज में ज्यादा सोच करके वो चलने वाले लोग है। वैवाहिक जीवन उनका बहुत ही अच्छा होता है, साथ में इनको बहुत, इनकी जो वाइफ भी है वो बहुत, जीवन साथी भी उनको अच्छी मिलती है, और उसी प्रकार से
सभी स्त्रियां भी बहुत शालीन होती है, सब लोगों के साथ जुड़ जा मिल जाती है। इनके जीवन के अंदर बहुत स्त्रियों के लिए थोड़ा जल्दबाजी ज़्यादा होता है, शादी का फैसला लेने में भी थोड़ी जल्दबाजी ज़्यादा करते हैं, इसके लिए उनकी लाइफ में थोड़ा पछताना भी पड़ता है। इसीलिए गुरुवार के दिन जो जन्मे हुए हैं वो सभी लोग आदिनाथ भगवान अनंत लब्धि निधाने से गौतम स्वामी जी भगवान अष्टगंध का तिलक करें, पीली चीज़ों का दान करें, गाय की सेवा करें और स्वस्थता चारों तरफ चौखाई यदि ज़्यादा रखते हैं तो अपने जीवन के अंदर कहीं से कहीं ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप गुरुवार को जन्मे हैं, यदि आप और कोई भी वार को जन्मे हैं और इनके बारे में और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप जरूर हमारी संस्थान का संपर्क करें।